गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक और आज आपको मैं बताने वाला हूं आरीवाल के बारे में। और हमारे साइट का अभी आरीवाल कंप्लीट हो चुका है और पैनल इरेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अभी बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर कुपिंग बीम एंड फ्रिक्शन स्लैब। फ्रिक्शन स्लैब के लिए हम बेड प्रिपेयर कर दिए हैं, करने के बाद इस पर हम लेबल भी दे दिए। लेबल कैसे दिए हैं आइए मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लेवल दिया हुआ है, यानी कुपिंग बीम की जो हमारी हाइट है यहाँ बढ़ेगी 241 mm अप होगी, समझ रहे हैं। और कुपिंग बीम की जो लिमिट दी हुई है हमारे ड्राइंग में वो दी हुई है 50 mm से लेके और 250 mm के बीच में, यानी 50 mm टू 250 mm। तो आप देख सकते हैं अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, शटरिंग लगाएंगे और 241 mm का कुपिंग बीम करेंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। तो देख सकते हैं यहाँ शटरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। शटरिंग कंप्लीट होने के बाद और इसमें अब हम कंक्रीट डालेंगे और ये देखिए लाइन डोरी की हेल्प से इस पर लेबल दिया हुआ है 220 210 जो भी है, ये यहाँ से हम धागे की हेल्प से नीचे नाप लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है 202 mm की है। अब हम इसको हम कैसे चेक करेंगे आइए आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसे हमने इसको मेजरमेंट किया है, आप भी अपने साइड पे ऐसे काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब इसको हम कंक्रीट पोरिंग के लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आफ्टर कुपिंग हमारा ये कैसे दिख रहा है, और ये हम जो दिखाए थे आपको 202 mm यही वो लोकेशन था। आप देख सकते हैं कैसे ये दिख रहा है और इसी के जस्ट आगे हम फ्रिक्शन स्लैब जो है पीसीसी किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पीसीसी हुआ है, पीसीसी जैसे हुआ तो बारिश आ गई इसलिए ये थोड़ा सैंड ऊपर आ गया है। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं क्रॉस बैरियर का इरेक्शन कैसे किया गया है इस पर। तो आप देख सकते हैं ये पीसीसी हमारी और ये पीसीसी हो गई है और पीसीसी ये कुपिंग टॉप से हमारा 200 डाउन है, 210 या 200 इतना ही हमको रखना है, 10 mm टॉलरेंस है, क्योंकि हमारा जब फ्री क्रैश बैरियर इसमें बैठाएंगे तो वो थोड़ा बहुत लूज 10 mm छोड़ रहे हैं ताकि फिक्स करने में आसानी होगी। और आप ये देख सकते हैं ये हमारा डोल्स बार जो निकला हुआ है इसी में हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बांध के एक साथ और इसमें राफ्ट कर देंगे, ये हमारा फिक्स हो जाएगा। और ये यही मैं बोल रहा था होल जो दिख रहा है ये 180 mm का है और ये हमारा जो है 170 का, इसी में इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए मैं आपको अरेंजमेंट दिखाता हूँ कैसे हो रहा है ये। तो आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है आफ्टर फिनिश इरेक्शन करने के बाद, यही चीज़ हम आपको बोल रहे थे आफ्टर फाइनल ये कैसे दिखेगा आप देख सकते हैं। और इसी में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार बांध के बीच में दोनों सरियों के बीच में चेयर डाल के और इसमें हम राफ्ट कर देंगे, फिर ये फाइनल हमारा कंप्लीट आरीवाल का जो है क्रैश बैरियर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल साइट के बारे में मैं आपको बताऊँ, और आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमसे कोई गलती हो तो हमें छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा, और ऐसा कुछ बात हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।